जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आज 28 अगस्त, तो आपको पहले ही बता दूं कि 28 अगस्त को आपका अनरसी ग्रुप डी का किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम आपका नहीं था। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका कि आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होना बाकी है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो प्रश्न है आपको उसी के लेवल के लिए गए हैं जिस लेवल के प्रश्न आपका अरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है जो कि दोस्तों आपका बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो दोस्तों नेशनल पार्क से भी आपका स्पष्ट बनते आ रहे हैं। तो नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें तो आपका कर्नाटक में स्थित है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। अगला दोस्तों कि पौधे में उत्सर्जन के लिए क्या सही है, आपके पास चार ऑप्शन है, वाष्पोत्सर्जन, विसर्जन संग्रहण या वाष्पोत्सर्जन विसर्जन या संग्रहण विसर्जन या केवल वाष्पोत्सर्जन या संग्रहण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन विसर्जन और संग्रहण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि पौधे में बचा हुआ ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, पौधे ग्लूकोज को पत्तियों में अघुलनशील स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। अगला दोस्तों कि 100 वाट 1000 वाट के कुल बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलने पर सितंबर माह का बिल कितना होगा यदि 1 यूनिट का दाम 6 रुपया है। इसका जो यूनिट हो जाएगा दोस्तों आपका 900 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको निकालने का फॉर्मूला भी दोस्तों बिल्कुल आसान है, वाट गुने घंटा गुने दोस्तों आपका दिन बट्टा 1000। दोस्तों आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और किसी प्रकार कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आपका जो प्रश्न है वो आपका बन जाएगा। इसके बाद जितना वाट आएगा दोस्तों उसके 6 रुपये से आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका पैसा निकल के आ जाएगा कितना रुपया होगा। अगला दोस्तों पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है दोस्तों वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका रूस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूस से दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है संयुक्त USSR से, जो कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका जोड़ा गया था। अगला दोस्तों की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है सेवा, शिक्षा, चिकित्सा या कृषि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों की 2021 में सूती कपड़े पर की जाने वाली तमिलनाडु की किस पेंटिंग को GI टैग मिला है। तो दोस्तों बात करें किस सूती कपड़े को GI टैग मिला है, तो दोस्तों आपका करुपर कलमकारी पेंटिंग को दोस्तों आपका GI टैग मिला है। अगला दोस्तों कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश की बात करें तो मध्य अमेरिकी देश है आपका अल सल्वाडोर, जो कि दोस्तों बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अगला दोस्तों कि भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो दोस्तों बात करें भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का, तो दोस्तों आपका कोहिमा नागालैंड में खोला जाएगा, जो कि दोस्तों 27 सितंबर 2021 को खोला भी गया है। अगला दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन कितने किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका 69 की, जो बॉक्सिंग में आपका वेट लिफ्टिंग में दोस्तों आपका लवलीना बोरगोहेन ने आपका कांस्य पदक जीता था। अगला दोस्तों कि P = VI से न्यूमेरिकल आपको बनाना है। P का मान दिया गया है, वाट का मान दिया गया है, तो दोस्तों का करंट का मान निकालना है। तो दोस्तों P = V × I दिया गया है, तो I का मान निकालना है, तो I का मान दोस्तों आपका P/V हो जाएगा। तो दोस्तों P का मान 2200 दिया गया है और V का मान दोस्तों 220 दिया गया है, तो 109 से 109 काटेंगे तो दोस्तों आपका 110 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से दोस्तों आपको निकालना है। अगला दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इसका शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों किया गया है, जो इसका उद्देश्य दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चे के बीच सभी बच्चे को शिक्षित करना है। अगला दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों वेस्ट चंपारण बिहार गंडक नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है दोस्तों आपका बिहार में इकलौता नेशनल पार्क है, जो कि दोस्तों आपका पश्चिम चंपारण में है। अगला दोस्तों केंदुली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो केंदुली फेस्टिवल की बात करें तो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला दोस्तों कश्मीरी स्टेक कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका डाचीगाम नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। अगला दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो दोस्तों आपका हर प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। अगला दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल और कर्म दल कब अलग हुए थे, या 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपका सूरत में 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता है राजबिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और गरम दल के नेता थे दोस्तों आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, OBP चंद्रपाल और अरविंद घोष दोस्तों आपका गरम दल के नेता थे।
अगला दोस्तों कि अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद 341 में आपका अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है, और अनुसूचित 342 में दोस्तों अनुसूचित जनजातियों का वर्णन आपका किया गया है। अगला दोस्तों कि आरडीएक्स क्या है, तो दोस्तों आरडीएक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जो कि दोस्तों एक प्रसिद्ध विस्फोटक है। इसका अन्य नाम की बात करें तो साइक्लोनाइड दोस्तों इसका अन्य नाम है, और इसका जो फॉर्मूला तो दोस्तों A2N2CH2 इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा। अगला दोस्तों कौन सा तत्व है जो सभी जीवों में आवश्यक रूप में पाया जाता है, तो दोस्तों आपका चार तत्व हैं जो कि दोस्तों सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, पहला ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और दोस्तों नाइट्रोजन। अगला दोस्तों आपका कि कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण अलग करता है, तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली दोस्तों आपका लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इस बात को भी दोस्तों याद रखना है। अगला दोस्तों कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो दोस्तों मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो दोस्तों ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन GSK कंपनी के द्वारा दोस्तों लेबोरेटरी इन बेल्जियम में आपका बनाया गया था। अब बात करें मलेरिया वैक्सीन का क्या नाम था, तो दोस्तों RTS मॉस्क्विरिक्स दोस्तों आपका मलेरिया के वैक्सीन का नाम था। अगला दोस्तों कि D2O भारी जल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो भारी जल का उपयोग दोस्तों परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किया जाता है, तो परमाणु भट्टो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान जल के हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटीन होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन दोस्तों आपका नहीं होता है। अगला दोस्तों को प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है, तो दोस्तों अयस्क और के रूप में दोस्तों आपका पाया जाता है, खनन और यह खनिज जिसकी सुविधा और लाभ के लिए धातु निकाली जाती है। अगला दोस्तों एंटोफॉर्मली परागण किसके कारण होता है, आपके पास चार ऑप्शन है, कीट, जंतु, हवा, मनुष्य, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो विषय पर एक मिशन शुरू किया है, तो दोस्तों आपका मई 2007 में दोस्तों आपका ये शुरू किया है। अगला दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो दोस्तों आपका 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका स्थित है। अगला दोस्तों कि जब एक वाहन के द्वारा यात्री को दूरी को मापने के लिए उपकरण कौन सा है, तो दोस्तों आपका ऑडोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाहन के द्वारा यात्रा की दूरी को मापने में आपका काम आता है। अगला दोस्तों सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों का हेलाइट या सोडियम क्लोराइड NaCl के नाम से आपका सेंधा नमक जाना जाता है। अगला दोस्तों जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी दिनों में एक स्थिति में होते हैं तो कौन सी सागरीय घटना होता है, तो स्प्रिंग टाइड दोस्तों आपका वृद्ध ज्वार या उच्च ज्वार की आपका सागरीय घटना होता है। अगला दोस्तों आपका कि अंतरसायन इंट्रोक्रॉपिंग ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका बीच बीच में खाली जगह में खेती किया जाता है, तो इससे संबंधित है दोस्तों आपका ये इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग। अगला दोस्तों इनमें से कौन सा पशु से संबंधित हार्मोन है, तो जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और इंसुलिन, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि सबसे कम घनत्व वाला किस वायुमंडल में परत का होता है, सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल परत का होता है, तो दोस्तों का वायुमंडल एक्सोस्फीयर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों आपका फीमर जांघों में दोस्तों ये हड्डी पाई जाती है, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी दोस्तों हमारे कान की होती है, जो स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों कि विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है कौन सा, जो U-233 का उपयोग किया गया है, तो दोस्तों आपका काम में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों को माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन की बात करें दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो ये दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम आता है। इसके बाद विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत सेल की बात करें तो दोस्तों आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर दीजिएगा। आपके लिए दोस्तों मेहनत करते हैं तो दोस्तों आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।